बेटी करे पुकार, देश की 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 बेटी करे पुकार, जो भी तोड़ो करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार। एक लड़की होने के नाते ये थिएटर देखने के बाद जो लड़कियों ने आज यहाँ पर किया है, आप लोगों को पता है जो मणिपुर में घटना हुई है, एक लड़की होने के नाते मेरे पास भी शब्द नहीं बचे हैं, मेरी रूह कांप गई, रोंगटे मेरे खड़े हो गए किस तरीके से जो अभी मणिपुर में घटना हुई है। पूरा देश जो है यहाँ पर इतना शर्मिंदा है और साथ ही साथ देश में पूरा गुस्सा भरा हुआ है। मैं मणिपुर की बेटी की बात करूँ, गुजरात की बेटी की यहाँ पर बात करूँ, निर्भया जो घटना हुई है, कठुआ की बेटी, उन्नाव की बेटी, हाथरस की बेटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश की महिलाएं, हमारी देश की बेटियां जो है किस तरीके से उनके साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मणिपुर की आदिवासी बेटी, इन लोगों ने एक थिएटर के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बताना चाहा और जो काफी लोग हैं वो भी बीच में आए, उन्होंने भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने बताया कि हाँ गलत हो रहा है जो आसपास के लोग थे, बस स्टैंड पर ये किया गया। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपने थिएटर किया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो आज के टाइम में और पहले से ही मतलब कि लड़कियों के साथ गलत होता जा रहा है ना, उसका रोको, उनको जो उनको सजा दो जो इन लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत ना होने दे, क्योंकि हर एक घर में बेटियां सबकी होती हैं, सबकी बेटे को अपनी बेटी मान के चले भी, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। हम तो ये कहना चाहते हैं क्योंकि मैम अभी देखो मणिपुर में, ये तो अभी की न्यूज है, मणिपुर में देखो उन तीन लड़कियों को निवस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया गया, क्यों? जिन्होंने उनके साथ ऐसी जिंदगी की, क्या उनके घर में उनके माँ बहन नहीं है? ये क्वेश्चन है कि उनके घर में माँ बहन, अगर उनके माँ बहन या बेटियों के साथ ऐसा किया जाए तो, इसलिए मैम हमें तो एक सरकार से यही निवेदन है कि लड़कियों को न्याय मिले, ये कहना चाहिए। जी हाँ, न्याय मिलना चाहिए। वही अगर मणिपुर की मैं बात करूँ, एक जो महिला थी उनके पति जो है फौज में थे, वो खुद उन्होंने बयान दिया कि मैं फौज में था, देश की रक्षा करता रहा, लेकिन मैं खुद अपने घर की महिला की रक्षा नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा गलत हुआ है ये घटना जो इस तरीके से हुई है। गुजरात की बेटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ, हर बार लड़कियों के साथ ही गलत होता आ रहा है, अगर लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से अन्याय पे अन्याय होते जा रहे हैं, लड़कियों का रात को देर रात तक बाहर ना रहना, छोटे कपड़े ना पहनना, कपड़ा सादा रखना, ये करना वो करना, सब लड़कियों के ऊपर ही क्यों ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, हम लड़कों को क्यों नहीं रोक पाते? अगर हम अन्याय के लिए खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तभी तो ये अन्याय रोक पाएंगे, जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठ पा रही है, उनको कोई सजा ही नहीं दी जा रही है, सजा के नाम पर दिखावा किया जाता है, सजा दे दी जाती है फिर उनको रिहा कर दिया जाता है, फिर हमारी जैसी लड़कियों को ऐसे उनके साथ, हमारी लड़कियों के साथ गलत होता आ रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि लड़कियों के साथ कुछ भी गलत ना हो। सबसे हाथ जोड़ के मैं यही विनती करूंगी, लड़कियों को सपोर्ट करो, उनकी इज्जत करो, लड़कों से मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जैसी माँ बहनें उनके घर में है, औरों की लड़कियां भी उनकी माँ बहनों की तरह ही है, जैसे वो अपनी बहनों को सोचते हैं कि वो सेफ रहे, औरों की माँ बहनों को भी वो सेफ रखे। न्याय की मांग यहाँ पर की जा रही है और पूरा देश जो है गुस्से में, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है और यहाँ पर आज करनाल के बस स्टैंड पर इस तरीके से थिएटर जो इन लड़कियों की तरफ से किया गया है। मैम वहाँ से यहाँ पर मुझे मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ये जो थिएटर के साथ साथ मैंने देखा आप लोगों से भी पूछ रहे थे जो आसपास के लोगों के, उनकी तरफ से भी काफी अच्छा अध्याय लोगों ने बताया कि बहुत गलत चीज हो रही है, आप क्या कुछ बताओ? देखिए आप सब जानते हैं कि जिस तरह से मणिपुर में ये हिंसा हुई और उसके दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उसको सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो जिस तरह से उन लड़की औरतों ने स्थिति को झेला होगा उनकी मानसिक स्थिति का हम अंदाजा लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जब किसी बहू बेटी के साथ किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अपनी मानसिक स्थिति छोड़ देती है, हम लड़कियों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाते हुए कि आप अपनी बेटियों के लिए बोल रहे हैं, अपनी मणिपुर की बेटियों के लिए, पूरे देश की बेटियां, जिन आप देख रहे हैं कि जिन बेटियों ने ये इस दरिंदगी का सामना किया आज वो सभी एकत्रित होकर खड़ी हैं, हमारे देश की सारी बेटी पुकार कर रही है कि हमें न्याय दो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं, हमें अन्याय से मुक्त करो। आखिर कब तक हम इस अन्याय को सहेंगे और कब तक हम सड़कों पे उतरेंगे? हर बेटी अपने लिए न्याय मांग कर सके। जी हम मांग जो है सिर्फ न्याय की जा रही है। कांग्रेसी नेता डॉक्टर सुनील पवार यहाँ पर है, उनकी तरफ से यहाँ पर ये करवाया गया और काफी अच्छे कार्य में, काफी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने देखा, उनकी तरफ से भी कुछ विचार जो आने को मिले। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, काफी शर्मनाक ये जो हमारे देश में हुई है घटना हुई है, इसके अलावा बेहद घटनाएं हो चुकी है, क्या लगता है सर क्या कुछ होगा इसके बाद? आज ये जो आप लोगों ने थिएटर भी किया है यहाँ पर आकर लोगों के बीच में, क्या कुछ
देखिए पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ट के अंदर उसको कवर करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ी दुखद घटना है और जो पीड़ा अंदर है उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश सड़कों पे आया था, कठोर कानून बने थे, फांसी की सजा दी गई, निर्भया अपने जीवन से हार गई। अब हर राज्य के अंदर कितनी निर्भयाओं का उत्पीड़न जो है वो जारी रहेगा, उन्नाव के अंदर, कठुआ के अंदर, हाथरस के अंदर, और अब मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। आपने देखा एक मिलिट्री का आदमी, एक फौजी, एक देश का सैनिक जो पूरे देश की सरहद के ऊपर इस देश की रक्षा करने का काम करता है, वो अपनी बीबी को नहीं बचा पाया, उसके साथ रेप जैसी घटनाएं हुई। आज इस थिएटर के मार्फत हमें लोगों के व्यूज जानना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से कानून बने, या फिर हर बेटी के हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाए कि वो खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए आगे आए, या फिर देश के संविधान के अंदर कोई ऐसे कानून बने कि जिससे बेटियां बराबरी का और स्वतंत्र रूप से जीने का वो अधिकार प्राप्त कर पाएं और उनको भी पुरुषों के बराबर के अधिकार जो है वो मिले। आज लिंग के आधार पर उनके साथ ये भेद करना कि एक शर्मिंदगी की हद तक गुजारना और उनके साथ रेप जैसी घटनाएं करके उनके जीवन को नरक बनाना, तो ये कहाँ का मानवीय, किसी भी प्रकार का मानवीय सोच नहीं हो सकती। यह मानवीय सोच है, बल्कि मैं कहूँगा राक्षसी सोच है। आपने देखा कि हाथरस के अंदर भी क्या हुआ, एक बेटी को रात को तेल छिड़क के 12 बजे जला दिया जाता है, और जो हम सनातनी अपने सनातन संस्कार की बात करते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो आज हम सबको तय करना पड़ेगा कि देश की बेटी वो देश की बेटी, किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से। अगर उसका नाम आसिफा है तो मंदिर में रेप करने की परमिशन नहीं हो सकती। अगर उसका नाम बिल्किस बानो है तो उसके अपराधियों को छोड़ के लड्डू बांटना और पुष्पमालाओं से स्वागत करना उस देश का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मणिपुर के अंदर फौजी की बीबी के साथ ये काम होता है तो हमारे आम घरों की बेटियों के साथ क्या होगा। तो निश्चित तौर पे हम लोगों से इस थिएटर के अंदर इन्वॉल्वमेंट करके उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लाठियां या संविधान में अमेंडमेंट कौन सी चीज बेटियों को बचा पाएगी। कब तक मेरे पास भी शब्द नहीं बचे हैं, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं हमारे देश में, कब ये जाकर रुकेंगी। बेटियां जो है सेफ नहीं है, इतनी सारी घटनाएं, कुछ में महिलाएं और भी आसपास देख पा रही थी। मैम आपने देखा था ये जो अभी थिएटर हुआ था, आपने थिएटर देखा था, अभी क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? थिएटर तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सरकार ने बहुत बदतमीजी कर दिया। इतनी बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है इस देश में, सबसे ज़्यादा जितना भारत के अंदर अत्याचार गंदा हो रहा है इतना किसी देश में नहीं हो रहा। क्या सरकार है, इसको बार बार बनाया गया, हमने सरकार को किस लिए बनाया? सरकार हमारे को अच्छा सहयोग देगी, हम सरकार को संजोग देंगे। हमने सरकार को अच्छा सहयोग दिया लेकिन सरकार ने हमारा कोई संजोग नहीं दिया। और यह बेटियों पे, महिलाओं पे देखना ये होगा कब जाकर ये अत्याचार जो है रुकने वाले, कब बेटियों को, महिलाओं को न्याय मिलने वाला, एक फौजी की बीवी के साथ इस तरीके से होना। बहुत से देश में घटनाएं हो चुकी हैं, उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले जल्द से जल्द जो मणिपुर की महिलाएं हैं उनको, और साथ साथ आगे कभी दोबारा घटना। और अगर हम देखते हैं, अगर जो इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत लंबी खींच जाती है, क्यों ये बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट करके उन जो हकदार होते हैं सजा के उन्हें क्यों जल्दी सजा नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी जो थिएटर किया करनाल के भारत की बेटी करे पुकार, और लोगों के उसे भी एक विचार जो है जानने को भारत की बेटी करे पुकार। करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।